दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप भी मेरे रसोई के कामों में हाथ बटाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पवित्रा ने स्कूटी को लॉक किया तो साबी अटक गई। उसे वहीं छोड़ सब्जियां फल उसमें से निकाल लिए। टिंग टोंग आ गई मेरी जांची की रानी। विवेक प्लीज थोड़ा सामान पकड़िए और मेरी स्कूटी में भी लॉक लगा दीजिए। सभी अटक गई हैं जो हुक्म मैडम, रहने दीजिए। बातें तो ऐसे बना रहे हैं जैसे हर काम कहते ही करने को तैयार होते हैं। अब बाहर जा, ये मत पूछना स्कूटी कहाँ है, साबी कहाँ अटकी है। विवेक और पवित्रा कोई न्यूली वेड या कम उम्र के दंपति नहीं है। विवेक को सेवानिवृत्त हुए 2 साल हो चुके हैं और पवित्रा 55 साल की है। अभी 5 साल और नौकरी करनी है। बच्चों की जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। 2 बेटियां और 1 बेटा है। तीनों का विवाह हो चुका है। बेटे की बाहर नौकरी है, वह बहू भी जॉब में है। 2 साल में 1 बार ही आना होता है। पवित्रा व विवेक जी दोनों व्यवहार कुशल व हसमुख दंपति हैं। कभी कभी उनके सास रहने आती हैं। पवित्रा जी की उम्र पर उनकी सेहत का असर अब दिखाई देने लगा है। शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुकी हैं। काम में बहुत फुर्तीली हैं। सभी को उनसे करने की ही आशा है। वो जहाँ जाती हैं लोग निश्चित हो जाते हैं। स्कूल से आते वक्त अक्सर ही घर की जरूरतों का सामान ले आती हैं। बहू मेरी दवाई लाई नहीं मम्मी जी, आज घर का सामान बहुत हो गया था तो स्कूटी छोड़ जाना सही नहीं लगा। कल लेती आऊंगी। क्यों जी, आप सारा दिन घर रहती हो, जो सामान जैसा थैला छोड़ कर जाती हूँ वैसा ही पड़ा मिलता है। और कुछ नहीं तो मम्मी की दवाई ही ले आते। देखो पवित्रा, करने को तो मैं सब कर दूं पर तुम्हें उसमें से एक काम भी सही नहीं लगेगा। तुम दोबारा उसे करोगी, बस बैठे बैठे बातें बनाते रहो। ये नहीं कि अब मेरी भी उम्र बढ़ रही है। कह पवित्रा हाथ पाव दो साए बनाने सल दी। फिर थोड़ा आराम कर शाम के खाने की तैयारी करने लगी। सब्जी सौंकने जा ही रही थी कि सासू माँ ने आवाज लगाई। बहू ऐसा करियो, तेल में पहले 4 मिर्च की पकौड़ी उतार दे। सासू माँ ये फरमान अक्सर जारी हो जाता था। थकी हारी पवित्रा तन मन धन से लगी रहती। देखो जी, मुझे माँ के लिए
करने में तनिक भी परेशानी नहीं होती, पर अब समय के साथ उन्हें थोड़ा तो बदल जाना चाहिए। बस ये साड़ी में रसोई में काम करना बहुत परेशानी की वजह बन जाता है। क्या कहेगी माँ, एक दो बार टोकेगी ही तो। तुम्हें जिसमें आराम मिले पहन लिया करो, आपके पास तो हर बात का तुरंत समाधान है। मुझे टोके तो कोई बात नहीं, वो तो हर आए गए को यही कहेगी। पहले सर ढकती थी वो हटाया, अब साड़ी ही उतार दी। कभी कभी आती है, सोचती हूँ खुश होकर जाए तो अच्छा है। ऐसा नहीं था कि सासू माँ पवित्रा से खुश न थी, पवित्रा उनकी पसंद का बनाती खूब गप्पे लगा, उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती। इस बीच बेटा बहू भी दादी जी के साथ रहने आए, वो भी 3-4 दिन के मेहमान ही थे। काम हल्का न हो पवित्रा के लिए और बढ़ गया। बहू को सारी सुविधाएं देने की कोशिश करती। अब बहुत दिन हो गए, थोड़ी समय छोटे के रह कर आऊंगी, बढ़ती उम्र है अब वापिस पता नहीं कब आना होगा, आ भी पाऊंगी या नहीं। ऐसा क्यों कहती है मम्मी जी, मेरी गर्मियों की छुट्टी में फिर आ जाइएगा। सासू माँ को पवित्रा से विशेष लगाव था, उन्हें लगता वैसे ही थक जाती हैं और मेरी वजह से बेवजह परेशान होती हैं। सासू माँ सली गई जल्दी लौटने का वादा कर। इस बीच पवित्रा की तबीयत भी बहुत खराब हुई, लेकिन प्राइवेट नौकरी की वजह से बेटा बहू नहीं आ पाए। 3 महीने बाद वो रिकवर हुई। 20 में शनिवार रविवार को बेटा मिलकर गया है, बहू की मल्टीनेशनल कंपनी है, वो नहीं आ पाई। अपना तो जैसे तैसे सला रहे थे, बेटा आया तो 2 दिन खाने वाली बाई का भी इंतजाम करना पड़ा। वो मिल अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी कर सला गया। पवित्रा को बहुत कमजोरी थी, नौकरी से भी कितनी छुट्टी लेती, जक मार कर जाना ही पड़ा। साथी मित्र अपनी राय देने में लगे थे, मैडम आपके क्या कमी है, बच्चों की शादी हो गई, भाई साहब को अच्छी खासी पेंशन मिलती है, आपको भी मिलेगी, आपको तो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अपनी काया को क्यों कष्ट देना। पवित्रा जी मन ही मन मुस्कुरा देती। मकान का लोन, बच्चों की एजुकेशन का लोन, ये जिम्मेदारी भी तो हमें ही चुकानी है। घर पहुंची तो पति देव ने साई बनाकर पिलाई। जब से बीमार हुई है साई बनाने का जिम्मा विवेक जी ने ले लिया है। सुनो पवित्रा, माँ के कमर में दर्द है, सल नहीं पा रही। फोन किया तो बहुत रो रही थी। अच्छा क्या हुआ, अपनी थकान भूल माँ को फोन मिलाया। माँ ज्यादा तकलीफ है, कहाँ था ना, यही रहो सब ठीक हो जाएगा। आप
घबराओ मत, ऊपरी मन से बोल दिया या आ जाओ। शायद खुद स्वस्थ होती तो लाने की जिद भी कर लेती, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, भगवान वो ना कह दे मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मन तो बहुत है पवित्रा, पर शायद अब कभी ना आ पाऊं, कहा रोने लगी। कुछ सासू माँ का सोस व कुछ खुद की बीमारी इन दिनों में पवित्रा को बिल्कुल तोड़ चुकी थी। जो विचार अब तक जहन में ना थे सब आने लगे। क्या फायदा, बच्चों का सब अपनी जिंदगी जीते हैं, नौकरी पैसा सब माँ बाप से ज्यादा प्यारा हो गया। 2 दिन के लिए आते हैं मेहमान की तरह, लेकिन फिर मन को मना लेती। बेटी से बात चल रही थी, मम्मा अपना ध्यान रखो, आपकी दवाई चालू है और कमजोरी बहुत। अच्छा हुआ दादी चली गई, नहीं और काम बढ़ जाता। वैसे बहुत खुशी थी वो, या आपकी उन्हें रोक लेना चाहिए था, दिक्कत होती तो खाने वाली बाई लगा लेते। बहू की भी यही राय थी, मम्मी जी ज्यादा मेहनत मत करना। दादी जी का भी सुनकर बहुत बुरा लगा, आप तो जब ठीक हो जाएगी उन्हें यही बुला लीजिएगा, बहुत खुश रहती हैं आपके साथ। पवित्रा जी मुस्करा दी। आज सुनकर खुद की तारीफ नहीं लग रही थी, गुस्सा आ रहा था कि मेरी तकलीफ से किसी को सरोकार नहीं। शाम को किसी तरह से खाना बना खाने बैठी ही थी कि पति देव के सहरे पर सीता की लकीरें दिखाई दी। माँ बहुत परेशान है, तुम कहो तो। अरे भी तुम उनकी लाडली बहू हो, उन्हें पता है तुम हंसते सहरे से सब काम मिनटों में सलटा दोगी, इसीलिए रह रह कर यहाँ बिताए दिनों को याद कर रही थी। पवित्रा आश्चर्य से विवेक को देखती रही, कितने स्वार्थी हैं आप लोग, क्योंकि मैं खुश होकर सबके लिए करती हूँ, इसलिए मेरी तकलीफ सिर्फ मेरी है। मैं बहू हूँ इसलिए मेरे पति बेटी और अब बहू को भी मुझसे उम्मीद है कि मैं अच्छी बहू का किरदार अच्छे से निभाऊँ। मतलब क्या, मैं जीवन भर बहू रहूँगी, यदि ऐसा है तो मेरे लिए कौन सोचेगा। ऐसा कदापि नहीं है कि मुझे बहू बने रहने में आपत्ति है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती आई हूँ और बहू बन सब फर्ज अदा करती आई हूँ, और आज अपनी बहू की परेशानी समझ उसके लिए भी बदलने की कोशिश करती हूँ, तो बहू बन न बदलने की सभी की अपेक्षाएं मुझसे ही क्यों। किसी की सच्चाई व प्रेम की समा रहते कद्र करने से सच्चा व सुलझा रिश्ता हमेशा कायम रहता है। उम्र के हर दौर में परिवर्तन लाजमी है, अनुभव उम्र व समय के साथ आए परिवर्तन को अपनाना व सब
सभी के द्वारा उसे सहजता से स्वीकारना बहुत जरूरी है, वरना अधेड़ उम्र के बाद भी सास के साथ रहने वाली बहू हमेशा बहू ही रहेगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।